हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बजट ट्रैवलर। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा चंडीगढ़ से टिकरताल रोड ट्रिप पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोड कंडीशन कैसी है, कितना समय लगेगा, रास्ते में क्या क्या आएगा, कहाँ पे आपको लेफ्ट टर्न लेना है, कहाँ पे आपको राइट टर्न लेना है। अगर आप कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मोहाली से टिकरताल की दूरी है 65 किलोमीटर और ट्रैवलिंग टाइम बाय कार लगभग 2 घंटे का है। चंडीगढ़ से टिकरताल की दूरी 50 किलोमीटर है, ट्रैवलिंग टाइम पर कार लगभग 1.5 घंटे का है। हम एयरपोर्ट रोड को क्रॉस कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं पटियाला से जीरकपुर हाईवे के ऊपर। इस समय हम पहुंच चुके हैं जीरकपुर में, जहां से आपको लेफ्ट टर्न लेना है। इसके बाद आपको स्ट्रेट चलना है 450 मीटर और उसके बाद आपको राइट टर्न लेना है टिकरताल की तरफ जाने के लिए। जैसे ही आप ओवरब्रिज के नीचे से गुजरकर आगे बढ़ते हैं तो आपको अपनी लेफ्ट साइड में दिखाई देगा पारस डाउनटाउन मॉल। इस समय हमने लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय की है मोहाली से और हमें रोड कंडीशन बहुत ही अच्छी मिली है। इस समय हम जिस रोड पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं उस रोड को कहा जाता है जीरकपुर पंचकूला कालका हाईवे और इसको हिमालयन एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है। पारस डाउनटाउन मॉल से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपको ये बोर्ड दिखाई देगा। इसके बाद आपको हिमालयन एक्सप्रेस वे को छोड़ देना है। इसके बाद सर्विस रोड पर उतरने के लिए जो पहला कट दिखाई देगा उसी पर आपको अपनी गाड़ी को सर्विस रोड पर लेकर जाना है। सर्विस रोड पर लगभग 750 मीटर ड्राइव करने के बाद आपकी लेफ्ट साइड में आ जाएगा सेक्टर 2 पंचकूला। सेक्टर 2 की ट्रैफिक लाइट पर आपको राइट टर्न लेना है ओवरब्रिज के नीचे से निकलते हुए टिकरताल जाने के लिए। इस समय हम नेशनल हाईवे 7 पर हैं जो कि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तराखंड को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे ही आप पंचकूला सिटी को क्रॉस करते हैं तो आपको अपने आसपास छोटे छोटे मिट्टी के पहाड़ दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। सेक्टर 2 की ट्रैफिक लाइट से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है नाडा साहिब गुरुद्वारे को जाने का रास्ता। अगर आप नाडा साहिब गुरुद्वारा जाना चाहते हैं तो इसी मोड़ से राइट टर्न लेकर जा सकते हैं। इस जगह से आप अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर लीजिए क्योंकि जहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है मोरनी टी पॉइंट। टिकरताल जाने के लिए पहले आपको जाना पड़ेगा मोरनी और मोरनी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है टिकरताल। इस समय हम पहुंच गए हैं मोरनी टी पॉइंट पर, जहां से आपको अपनी गाड़ी को लेफ्ट लेना है मोरनी की तरफ जाने के लिए। इस समय तक हमने मोहाली से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, यहां से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है टिकरताल। पंचकूला से टिकरताल तक का 40 किलोमीटर का जो रास्ता है पूरी तरह से पहाड़ी रास्ते जैसा है, तो आपको जहाँ पर गाड़ी चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, रास्ता काफ़ी घुमावदार है तो आपकी गाड़ी की स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी। आपको ये 40 किलोमीटर का रास्ता तय करने में लगभग 60 से 70 मिनट का समय लग जाएगा। पंचकूला से मोरनी तक के रास्ते पर आपको काफ़ी सारे रिसॉर्ट मिल जाएंगे जहां पर नाइट स्टे का ऑप्शन और खाने पीने का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जहाँ तक हमने लगभग 42 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, जहाँ तक पहुँचने में हमें 1 घंटा 20 मिनट का समय लगा है और जहाँ से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर है टिकरताल। अभी तक हमने जितनी भी ड्राइव की है हमें रोड कंडीशन बहुत ही अच्छी मिली है, हमें गाड़ी चलाने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जहाँ पर रोड कम चौड़ी है पर ट्रैफिक भी बहुत ही कम है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ और बता दूँ कि इस रास्ते पर कोई भी टोल टैक्स बैरियर नहीं है। मोरनी हिल्स टिकरताल हरियाणा राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है जहां पर समुद्र तल से जो मैक्सिमम हाइट है वो है 1220 मीटर जो कि मोरनी हिल स्टेशन की है। जैसे जैसे आप मोरनी हिल स्टेशन के पास पहुंचते हैं तो आपके साइड व्यूज बहुत ही शानदार दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। मोरनी हिल्स के बिल्कुल पास में ही है वैली हाइट रिसोर्ट।
जी, जो पंचकुला से मोनी हिल्स तक का रास्ता है एक फॉरेस्ट रिजर्व है, आपको जहाँ पर जंगली जानवर देखने को मिल सकते हैं। मुझे किसी दोस्त ने ये मिस इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये रास्ता ज़्यादा सेफ नहीं है। मुझे पूरे रास्ते में कुछ भी अनसेफ नहीं लगा। अब ये पूरा एरिया काफ़ी डेवलप हो चुका है। इस समय हम मोनी हिल स्टेशन के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं, जहां पर जो मेजर अट्रैक्शन है वो है जहां का मोनी फोर्ट। इस समय हम पहुंच गए हैं मोरनी में और बिल्कुल पास में ही है मोनी फोर्ट। अगर आप मोनी फोर्ट विजिट करना चाहते हैं तो जहां पर अपनी गाड़ी पार्क करके विजिट कर सकते हैं। जहां से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है टिकरताल। मोरनी से जो टिकरताल का रास्ता है अंडर डेवलपमेंट में है, तो अभी जहां पर रोड कंडीशन अच्छी नहीं है, रोड कम चौड़ा है और टूटी हुई कंडीशन में है, तो आपको गाड़ी जो है काफ़ी स्लो और संभल कर चलाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे आप टिकरताल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे जहाँ के जो व्यू पॉइंट हैं काफ़ी बढ़िया होते जाते हैं। इस टी पॉइंट पर पहुंचकर रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जहां पर कोई मार्किंग नहीं है, तो आपको जहां पर लेफ्ट टर्न लेना है टिकरताल की तरफ जाने के लिए। इस समय हम टिकरताल के बिल्कुल पास में पहुंच गए हैं, जहां से जो टिकरताल की दूरी है वो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। टिकरताल एक ट्विन लेक है, दोनों ही नेचुरल लेक हैं। एक को बड़ा टिकर कहते हैं और एक को टिकरताल। जो टिकरताल लेक है उसको हरियाणा टूरिज्म द्वारा डेवलप किया गया है। इस समय हमारी लेफ्ट साइड में है बड़ा टिकर। टिकरताल लेक से लगभग 600 मीटर पहले आता है एडवेंचर थीम पार्क। चाहें तो जहां पर भी एडवेंचर एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। समय हम पहुंच गए हैं टिकरताल लेक की पार्किंग पर, जहां पर आपको पार्किंग की जगह आसानी से मिल जाएगी। आप टिकरताल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा चंडीगढ़ और मोहाली से टिकरताल तक का रोड ट्रिप का वीडियो। अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।